देश में इन दिनों एक फिल्म चर्चा का विषय बनी हुई है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स। इस फिल्म पर आम आदमी से लेकर नेता और राजनेता तक सब अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर कर रहे हैं और मानो इस फिल्म को लेकर देश में एक अलग ही जंग छिड़ गई है। राजनेता इस फिल्म को धर्म का चश्मा लगाकर देख रहे हैं तो वहीं आम लोग कश्मीरी पंडितों का दर्द महसूस कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच इस फिल्म पर जमकर राजनीति भी हो रही है और आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का इस फिल्म को लेकर चौंका देने वाला बयान सामने आया है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और सामूहिक पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर प्रतिक्रिया देते हुए सवाल किया है कि क्या लखीमपुर फाइल्स भी बनेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ियों से रौंदा गया तो इस पर फिल्म क्यों नहीं बन सकती। सपा प्रमुख ने ये बातें सीतापुर में कही जहां वो पार्टी नेता नरेंद्र वर्मा के बड़े भाई महेंद्र वर्मा के शांति पाठ में शामिल होने पहुंचे थे। यहां उनसे द कश्मीर फाइल्स पर प्रतिक्रियाएं मांगी गयी तो उन्होंने कहा कि लखीमपुर फाइल्स भी बननी चाहिए। अखिलेश यादव के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी इस फिल्म को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, जिस तरह से भारत सरकार कश्मीर फाइल को प्रमोट कर रही है और कश्मीरी पंडितों के दर्द को हथियार बना रही है उससे उनके खराब मंसूबे सामने आ गए हैं। पुराने जख्म पर मरहम लगाने और दो समुदायों के बीच बेहतर माहौल बनाने की जगह वे उन दोनों को अलग अलग बांट रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फिल्म के निर्माता निर्देशक की टीम से मिले। उन्होंने मंगलवार को ही बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग में भी इस फिल्म को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश में कई घटनाओं पर दशकों से पर्दा डाला जाता रहा है। गौरतलब है कि द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को रिलीज होने के बाद से लगातार सुर्खियों में है। इस फिल्म पर सोशल मीडिया पर वाद विवाद भी हो रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि फिल्म मुसलमानों के खिलाफ है जबकि कुछ लोग फिल्म को सच्चाई पर आधारित बता रहे हैं। आपका इस फिल्म को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।